वीर अपनी तरफ से बार 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 अपने शिष्य गौतम को कहते हैं। महावीर और गौतम दोनों अतीत के घटनाक्रम हो गए। हम समझें कि अपन लोग ही अपने आप में गौतम हैं और कोई महावीर हमारे बीच में आकर के हमें सावचेत करता है और कहता है जागे रहो। जैसे कोई चौकीदार, जैसे कोई संतरी रात भर पहरा देते हुए अपन सभी लोगों को सावचेत करता रहता है कि सावधान, जागे रहो, जागे रहो, नहीं तो कोई भी मौत का सौदागर आएगा, कोई भी चोर डकैत आएगा और तुम्हें लूट करके ले जाएगा। तुम्हें पता भी ना चल पाएगा कि कब मेरी सांस उखड़ गई। ये मोह माया की दुनिया, ये अहंकार के मकान, ये लोभ और स्वार्थ की मीनारें सब यहीं के यहीं धरी रह जाएगी और पता भी ना चल पाएगा कब वो मौत का सौदागर आएगा, कब वो काल का काजी आएगा और अपन लोगों को पलक झपकते ही उठा करके ले जाएगा। कोई पता नहीं चलेगा। सारे सपने, सारे इंद्रधनुष, सारे ख्वाब, सारी कल्पनाएं अपन सब लोगों की धरी रह जाएगी। कब वो आएगा और कब पंछी को उड़ा ले जाएगा। पंछी उड़ता है अचानक अपने सपनों को बुनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाकर बैठता है किसी पेड़ की डाल पर उसे क्या पता उस पेड़ पर किसी बहेलिए ने अपना जाल बिछा रखा है। और जैसे ही जाकर पंछी बैठता है कि बहेलिए के जाल में फंस जाता है, अपन लोग भी ऐसे ही फंस जाते हैं। इसीलिए महावीर अपन लोगों को सावधान कर रहे हैं। महावीर और कुछ नहीं, महावीर केवल हमारे लिए एक संतरी का काम करते हैं, रात में सोए हुए लोगों के लिए एक चौकीदार का काम करते हैं और कहते हैं जागे रहो, सावधान। महावीर कहते हैं जागे रहो, सावधान। और जैसे संतरी आवाज भी देता है, जैसे संतरी डंडा भी बजाता है, जैसे संतरी जरूरत पड़ने पर सीटी भी बजाता है, ऐसे ही महावीर की गाथाएं, महावीर के महासूत्र हमारे लिए कभी सीटी का काम करेंगे, कभी टॉर्च दिखाने का काम करेंगे, कभी डंडा दिखाने और डंडा टिकाने का काम करेंगे। पर महावीर का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जो इंसान सोया है वो सोया का सोया ना रह जाए, कुछ कर जाए, कुछ जग जाए। और इसी सद्भाव को लिए हुए महावीर ने अपनी तरफ से गौतम को आधार बनाते हुए कहा था, दुम पत्तये पंडुये जहा निवडई राई गणान अच्छये एवं मणुयाण जीवियम समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, हे मेरे प्यारे शिष्य, जैसे समय बीतने पर वृक्ष का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो। महावीर कहते हैं कि हमारा जीवन वृक्ष की डाल पर लगे हुए पत्ते की तरह है, और अगर कोई पत्ता पीला पड़ चुका है तो सोचो कि जैसे पीला पड़ चुका पत्ता पल भर में झटक जाया करता है, गिर जाया करता है, सोचो क्या हमारा जीवन भी ऐसे ही झटक न जाएगा, क्या हमारा जीवन भी ऐसे ही बिखर न जाएगा। अरे जैसे पेड़ की डाल पर पत्ते लगे हुए हैं तब तक हैं, लेकिन कब कौन पत्ता पीला पड़ जाता है और पीला पड़ जाने वाला पत्ता कब कौन नीचे लुढ़क जाता है, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए कल को मत देखो, पत्ता कभी भी किसी भी क्षण पीला पड़ सकता है। आज तुम्हारे हाथ में है, आज है तो आज का उपयोग करो, आने वाला कल आएगा तो कल का भी उपयोग करेंगे। महावीर कहते हैं सावधान, वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा है।
महावीर कहते हैं सावधान, वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा है, सावधान कहीं ये बिखरना चाहे। देखो पत्ता पीला हो रहा है, इसीलिए तो हमारी कमर झुक रही है, हाथ में लाठी आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, आंखों की ज्योति कम होने लग गई है, कानों से कम सुनाई दे रहा है, हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है, देखने की शक्ति कमजोर होती जा रही है, सूंघने की शक्ति में भी दुर्बलता आती चली जा रही है, जिह्वा अपने आप में लड़खड़ाती जा रही है, बोलते बोलते ही जबान ढीली पड़ जाती है। कब किसको लकवा मार जाए, कब क्या पता है, कब किसका हाथ उठा है जो किसी को टिकाने के लिए, कब किसका हाथ नीचे गिर जाए, लुढ़क जाए, पक्षाघात हो जाए, कोई पता नहीं चलता है? कोई पता नहीं चलता। जीवन तो महावीर जैसे तत्वज्ञानी और अरिहंतों की भाषा में, इंसान का जीवन तो किसी कमल के पत्ते पर रखे हुए ओस की बूंद की तरह होता है, और बूंद की उम्र कितनी है, कब बूंद वापस नीचे लुढ़क जाए, कोई पता नहीं। इंसान का जीवन जो इतना 100 साल का दिखाई देता है, लेकिन कब किसका 100वां वर्ष आ जाएगा, कोई पता नहीं है। वो कहते हैं कि कंस के सामने ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र, देवकी की 8वीं संतान तेरी काल बनेगी। तो कंस ने उठाकर देवकी को कारागार में डाल दिया। तो कहते हैं कारागार में डाल दिया तो देवकी ने कहा कि भाई मेरा तो 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो पहले दूसरे तीसरे की हत्या क्यों कर रहे हो। तो कंस के अंगरक्षक और कंस के मंत्री चाणूर ने तब कंस कहा गफलत में मत पड़ना कि देवकी की 8वीं संतान आपकी हत्या करेगी। अरे 8 के क्रम को आप कहां से गिनेंगे, जैसे हाथ में 5 अंगुलियां हैं तो आप किधर से पहली अंगुली को गिनेंगे, किधर से गिनेंगे, इधर से कि इधर से, पहला ही 8वां बन जाएगा या 8वां पहला बनेगा, क्या पता। और तब चाणूर अपनी तरफ से तर्क देता है कि जैसे कोई साइकिल का पहिया होता है और साइकिल के पहिए में लोहे की तुलिकाएं लगी रहती हैं, जरा राजन सोचो और बताओ कि आप किस तुली को पहली तुली मानेंगे और किस तुली को अपन 32वीं तीली मानेंगे। चलता है अब यह पहिया, अब कहां से शुरू करोगे और कहां अंत करोगे, कोई पता नहीं चलता। हमारे जीवन का भी 100वां वर्ष कब किसका पूरा हो जाए, कोई पता नहीं। अपन सोचते हैं इंसान की उम्र कितनी, 100 वर्ष की, पर जो 60वें वर्ष में लुढ़का है उसकी उम्र तो 60वें वर्ष में 100 वर्ष की हो गई। और इसीलिए तो कहते हैं जब कोई आदमी 70 वर्ष की उम्र में ऊपर पहुंच जाता है तो कोई पूछता है क्यों भाई क्या हुआ तुम्हारे पिताजी का, बोले साहब उनको तो 100 वर्ष पूरे हो गए। तो कब किसका 100वां वर्ष पूरा हो जाए कोई पता नहीं चलता। जीवन तो सपने की तरह है और सपना कब टूट जाता है कोई गारंटी थोड़ा ही है। इसलिए जो जग जाता है सो जग जाता है, जो नहीं जगता वो ऐसे ही मोह माया में पड़ा रहता है। भले ही हम कहने में कह दें, समझने में समझ लें, और समझने में समझ भी लेते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु पैसा है, पर पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान उसका पुत्र है जिसके लिए वो पैसे को भी कुर्बान कर देता है। पुत्र मूल्यवान है, पर पुत्र से भी ज्यादा मूल्यवान इंसान की पत्नी है जिसके लिए जरूरत पड़ने पर वो पुत्र को भी छोड़ देता है। पर पत्नी से भी ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति स्वयं है, उसकी अपनी काया है जिसके लिए वो अपनी पत्नी तक का भी त्याग कर सकता है। पर इस काया का कोई पता थोड़ी है, ये पीला पड़ने वाला पत्ता कब किसका लुढ़क जाए कोई पता नहीं है। ये पीला दिखाई देने वाला पत्ता कब किसका लुढ़क जाए कोई पता नहीं।
किसी ने सोचा थोड़ी था कि अगर जैसे आज मेहरानगढ़ में जब दुखांतिका हुई तो किसी ने सोचा थोड़ी था कि 250 लोग ऐसे पीले पत्तों की तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ लुढ़कते चले जाएंगे। जिंदगी कब किसकी पीले पत्ते बन जाती है कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। यहां पर जागे है सो पावे है, सोवे है सो पछतावे है। सोने का मतलब क्या है? जो मूर्छा में पड़ा है, जो प्रमाद में पड़ा है, जो आलस्य से घिरा हुआ है, उसका नाम है जो सोवे है सो पछतावे है। जो सोवे है सो पछतावे है वो व्यक्ति बाद में पछताएगा भी क्या? रहेगा ही कुछ नहीं तो उसके बाद पछताएगा क्या? मर जाएंगे, एक मुट्ठी राख हो जाएंगे, राख खेतों में उड़ जाएगी, फिर जमीन पर घास उग आएगी। और ये इंसान की जिंदगी केवल कहीं पर उड़ने वाली एक मुट्ठी राख है या कहीं पर उग आने वाली अर्थहीन घास है। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ। ज्ञानी लोग तो अपन लोगों से केवल इतनी सी बात कहते हैं, भाई गाड़ी उपड़ी जाए छे, कब किसकी गाड़ी रवाना हो जाए कोई पता नहीं, चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ, चढ़ना हो तो चढ़ जाओ और नहीं चढ़ना हो तो यहीं पड़े रहो। चढ़ना हो तो चढ़ जाओ, नहीं तो यहीं भुगतते रहो। जिसको निकलना है वो निकल जाओ, जिसको नहीं निकलना है वो यहीं पड़े रहो, सड़ते रहो, यहीं भुगतते रहो। जब कोई बूढ़ी मां आती है और कहती है साहब बेटा नहीं कहना मानता, बहू इतनी उपेक्षा करती है, ये करती है वो करती है, तो मैं कहता हूं मैं निकली जाओ। बाप जी निकल कैसे जाए? तो खाओ फिर लाते। गधे की लाते भी अच्छी नहीं लगती, खानी भी वही सुहाती है, तो अब उसका तो कोई रास्ता नहीं हो सकता। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो हो तो चढ़ी जाओ। भाई ये तो कब किसकी निकल जाएगी कोई पता नहीं। इसीलिए तो हर दिन एक उजाला होता है, हर रात एक अंधेरा होता है। दिन का उजाला कहता है मैंने तुम्हें जन्म दे दिया, रात का अंधेरा कहता है बंदा सावधान हो जा, कब तेरी जिंदगी में, कब किसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा कोई अता पता नहीं है। गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ और नहीं चढ़वानो होए तो वही अपनी काया से मूल्य पत्नी को देते रहो, पत्नी से ज्यादा मूल्य पुत्र को देते रहो, पुत्र से ज्यादा